भूल गए, बोलो रास्ता भूल गए तो क्या करना था, यू टर्न लेना होगा वापस यहाँ से यू टर्न। अरे कोई छोटी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न करे, 1 लाख का मजमा था, उसमें सवारियां थी, बच्चे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, सारा घर का सामान था, सबने कहा पैगंबर मूसा यू टर्न कैसे लेंगे, कहा लेना होगा। लेकिन जैसे यू टर्न लेने का इरादा किया, पीछे घोड़े के टापों की आवाज आई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ घोड़े के चलने की आवाज आई, पता चला फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आगे जाओ तो भी मौत और पीछे जाओ, क्योंकि आगे क्या है समझ, और पीछे फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा, और फिरौन तो बहुत गुस्से होगा कि मैं बादशाह, मैं अपने आप को खुदा कहता और तुम रातों रात मुझे बोले बगैर 1 लाख यहां से निकल गए। बस फिरौन पूरे गुस्से में अपनी पुलिसों के साथ, अपने दरबारी और फौज के साथ आ रहा है, आगे समंदर पीछे फिरौन का। अब वो 1 लाख ने हजरत मूसा को कहा, ये क्या तरीका, मारना ही था तो वही मार देते, ये क्या है, यहाँ भी मौत वहां भी मौत। हजरत मूसा बहुत रोए, बोलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोए, कहा अल्लाह क्या करना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है। अब हजरत मूसा के हाथ में लकड़ी थी, बोलो क्या थी, एक रिवायत में लकड़ी, एक रिवायत में बड़ी लकड़ी, तो डंडा बोलो, अरबी में उसको आसा, अरबी में क्या कहते हैं आसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा यानी लकड़ी या डंडा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में क्या, मेरे हाथ में लकड़ी है। अल्लाह ने कहा मारो, समंदर में मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कैसी बात है, समंदर में लकड़ी मारो, अरे समंदर में लकड़ी मारूंगा, जोर से मारूंगा, पानी उड़ेगा, आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वही बात, अल्लाह ने फरमाया लकड़ी मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बस हजरत मूसा, देखो मेरे प्यारो गंगापुर वालों, हमने आज सीमेंट की दीवार देखी है, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवार देखी है, मगर यहाँ अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी ली, आसा लिया और जैसे समंदर पे मारा, अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया। बोलो यहाँ पानी की दीवार, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख को कहा चलो अपने अपने जानवरों को रास्ते पर डालो। हजरत मूसा फरमाते हम 1 लाख पूरे रास्ते को पार कर गए, पूरे समंदर को पार कर गए, हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। इसी को अल्लाह ने कुरान में बताया, पारा नंबर 19, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया, फऔना इला मूसा अनिदरिब बिअसाकल बहर फनफलक كل فرق كالطود العظيم। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा को वही भेजी, ए मूसा अपनी आसा अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार खड़ी हो गई, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने सवाल हो गए, हम तो वहां अर्श की बात कर रहे हैं ना, हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले, कितने हो गए, साथ में बोलो ना। पहला सवाल, अल्लाह हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, आग को। नंबर दो, अल्लाह हजरत मूसा के लिए क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में, कितने सवाल हो गए। तीसरा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद, साथ में बोलो कौन, हजरत अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया। अल्लाह ने फरमाओ मेरे मुस्तफा दाऊद के बारे में पूछ रहे हो, अरे मेरे पैगंबर दाऊद, उन पर तो मैंने आसमान से किताब दी जिसका नाम जबूर, बोलो जिसका नाम जबूर, और जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। हजरत दाऊद जब जबूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, बहने वाला पानी थम जाता था, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जब तुम हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो ना तो सबसे बड़ा इनाम क्या दिया, उनके पंजे में ताकत दी। बोलो हजरत दाऊद के पंजे में कैसी ताकत थी, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़े लोहे को लाया जाए, लोहे की सलेट लाई जाए, लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट लाई जाए, हजरत दाऊद के सामने जब लोहा लोहा जो मजबूत, हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे, यूं दबाते थे और जो जबान से कहते थे वो बन के तैयार हो जाता था। बड़े से बड़ा लोहा आए,
को पकड़ के कहे दरवाजा बन जा, बस यूं दबाते थे वो लोहा दबता था और दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह ने 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद को देखे, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से किताब दे दी, अरे वो पढ़ते जाएंगे पहाड़ भी गुनगुनाता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुक जाएगा, बहने वाला पानी थम जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया वा अल्लाह लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। बोलो लोहे को क्या बना दिया? हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा के लिए समुद्र में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवाल हो गए, अब हमारे नबी चौथे सवाल पर आए। अल्लाह एक चौथा सवाल, एक और पैगंबर आए हजरत सुलेमान, अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफा तुम सुलेमान के बारे में पूछते हो, हमने उनको नबी भी बनाया बादशाह भी बनाया। वो नबी भी थे, बोलो वो नबी भी थे, और कैसा सुपर पावर, ऐसे हुकूमत किसी के पास नहीं हुए। हजरत सुलेमान इंसानों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पे हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदे पे हुकूमत करे, चलने वाले चरिंदे पर हुकूमत करे, समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने हवा को भी इनका गुलाम बना दिया। किसको गुलाम बना दिया? आपको मालूम है हमारे पास कार होती है, कार होती है ना, गाड़ी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी होती है। आप अगर बिल्कुल ओडिशा शहर में जाओ या कोई बड़े ही जगह पे जाओ, आपको मर्सिडीज गाड़ी नजर आएगी, बीएमडब्ल्यू नजर आएगी, ऑडी नजर आएगी, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां नजर आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी हजरत सुलेमान की गाड़ी का मुकाबला न करे। अल्लाह ने इनको एक तख्त दिया था, एक तख्त दिया था, पूरे कांच का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांच, शीशे का बना हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, दरवाजा खोलते और उस गाड़ी में बैठते, वहां कोई स्टेयरिंग भी नहीं था, वहां कोई गियर बॉक्स भी नहीं था, वहां कोई डीजल और पेट्रोल का मामला नहीं था, वहां कोई ड्राइवर का मामला नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे और दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे अल्लाह के नबी कहां जाना आपको, कहा जाना था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। बोलो कहाँ हूँ और कहाँ जाना? यानी उस जगह पे जाना है कि अगर यहाँ दिन है तो वहां रात है, वहां दिन है तो यहाँ रात है। तो यानी बहुत दूर, जैसे हमको कोई गंगापुर में पूछे कहाँ जाना, हम बोले अमेरिका जाना, तो अभी यहाँ रात है तो वहां दिन होगा, वहां जब रात होगी तो यहाँ पर दिन होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते बहुत दूर जाना है, मशरिक से मगरिब जाना। तो दो फरिश्ते क्या कहते मालूम? आप सो जाइए, आप आराम से गाड़ी में सो जाइए। हज़रत सुलेमान अपने तख्त में सोते, थोड़ी देर में तो दोनों फरिश्ते कहते उठो उठो। हज़रत सुलेमान आँख खोल कर कहते क्या हुआ, अभी तो सोया, क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए? कहाँ? मशरिक से मगरिब। कहाँ? अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी है कि हवा को भी अल्लाह ने आपका गुलाम बना दिया है। ये कुरान करीम में लिखा, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसखरना लहु रीह तजरी बिअमरिही रुखा हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा, सबसे पहला सवाल, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को। पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। हे अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। नंबर 3, अल्लाह हजरत दाऊद को क्या अता फरमाया? अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना। अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को भी उनका। कितने सवाल हो गए, अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पर। कितने सवाल थे टोटल, सब समझेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं नहीं, ये सवाल और जवाब पर अगर मैं बयान खत्म करूँ तो समझना कि बहुत बड़ी अमानत पहुंचा के आपको जा रहा हूँ। फिर एक मरतबा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह आखिरी सवाल फाइनल,
पांचवा सवाल अब सुनना। अल्लाह ने कहा पूछो, अल्लाह को सम्मानो। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आपने आग को बाग बनाया, वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। आपने हजरत मूसा के लिए समुंदर में रास्ते बनाए, हजरत मूसा कहां थे? जमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहे को मोम पर, वो कहां थे हजरत दाऊद? जमीन पर। हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाह थी, हवा को भी उनका गुलाम बनाया, हजरत सुलेमान कहां थे? बोलो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूं, मैं आसमान पर नहीं हूं, मैं जन्नत में नहीं हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा पे नहीं हूं, मैं जन्नतुल मावा में नहीं हूं, अल्लाह मैं आपके आर्श में हूं जहां मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं, और अल्लाह मैं आया नहीं हूं बुलाया गया हूं और मेहमान बनकर आया हूं। अल्लाह अब मेरा पांचवा सवाल है, आपको जिनको जो देना था दिया, अल्लाह मुझे क्या देने वाले हैं? अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जालतली या रब, ए अल्लाह जिनको जो इनाम था आपने दे दिया, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? बोलो सुभान अल्लाह। भाई पूरा मजमा एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलेगा क्योंकि फाइनल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जालतली या रब, ए अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्ली दालिक। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते इतना बड़ा इनाम दूंगा जो किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा। बोलो सर। किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम, अरे मेरे मुस्तफा इतना बड़ा इनाम दूंगा किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं। और बोलो किसी नबी ने? हमारे नबी ने फिर पूछा अल्लाह बता देना क्या इनाम देने वाला, इतना बड़ा कौन सा इनाम और कैसा इनाम? अल्लाह ने फरमाया आप सब लोग तवज्जो दोगे इंशाल्लाह, आप सबकी तवज्जो है इंशाल्लाह, साथ में मेरा साथ दोगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि आज तक किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं, किसी नबी ने सोचा नहीं। हमारे मुस्तफा ने पूछा अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ज़िक्रतु इल्ला ज़िक्रता मई व मन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। आप इसको उर्दू में समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, पूरा मजमा बोले बहुत बड़ा इनाम देने वाला। क्या इनाम देने वाला? खल्ला जल्ला जलालुहू ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जहां जहां, बोलो बोलो, जहाँ जहाँ। अल्लाह क्या फरमाते सुनना, अल्लाह फरमाते बहुत बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह फरमाते जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अभी अभी पूरा जवाब नहीं हुआ, पूरे जवाब पर जोरदार सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो मेरा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे प्यारो आज यही फैसला हमको करना है। और सच बताओ जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां मोहम्मद का नाम, अरे बोलो है कि नहीं है? अरे साथ में बोलो ना है कि नहीं? कोई भी मस्जिद में जाओ आप एंटर होंगे सामने लिखा है ला इलाहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हां आप हमारा कलमा पढ़े, हम सब मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा होगा अजान देने वाला अजान देता है, क्या अजान देता? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो हम नमाज शुरू करते कैसे शुरू करते? बोलो अल्लाह अकबर। किसका नाम?
अल्लाह नमाज खत्म किस पे होती, जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। हमारे नबी फरमाते नमाज मुकम्मल हो गई। अत्तहिया किस पर मुकम्मल होता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। अल्लाह कहते नमाज भी वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। अल्लाह का नाम होगा बोलते जाओ, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अब मोहम्मद बोलते जाना, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जबूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जहां जहां मेरा नाम होगा अल्लाह ने फरमाया वहां वहां तेरा नाम होगा। अब साथ में बोलो, जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, कभी नहीं। हम में से कौन मुस्तफा के जरा हाथ ऊपर करके बोले, क्योंकि हम उनके हैं तो अल्लाह के हैं, हम उनके नहीं तो अल्लाह के भी नहीं। बोलो ना मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पूरे आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, मुज्तबा का दामन, अरे मेरे प्यारों हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक बात बताकर मैं पॉइंट पर आऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मजमा सुनेगा ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है। सफर में तीन, और वो तीन ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है बीच में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़कर कोई सफर होगा, क्योंकि बीच में देखो तो कौन, हमारे नबी, और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। बोलो ना हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दाईं तरफ कौन है, अबू बकर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लियाद इंदहु मिन निअमतिन तुजजा इल्ला बितगा वजही रब्बिल आला वलसौफ यरदा। अल्लाह तबाराक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जाओ अबू बकर को पूछो, मैं अबू बकर से राजी हूँ क्या, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ। खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं, वो अबू बकर दाईं तरफ, बाईं तरफ कौन है, उमर, जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया, क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा पांचवें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर, हजरत अबू बकर यहाँ पर, उमर। मैं कभी कभी कहता हूँ हजरत अबू बकर बहुत नरम दिल थे, बोलो बहुत नरम दिल थे। मैं कहता हूँ कि यहाँ जमाल ही जमाल, भाई दाई तरफ बोलो जमाल ही, और हजरत उमर बहुत गुस्से वाले थे, भाई थे कि नहीं थे, ये जामिया भी उमर बिन खत्ताब था,
मालूम नहीं यहाँ के पढ़ाने वाले भी गुस्से में रहते नहीं रहते, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु का जलाल, आपको मालूम है हजरत उमर जब कोई गली में आते थे ऐसे गली में एंटर होते, हमारे नबी यहाँ से एंटर होते तो हमारे नबी मुस्कुराते थे, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, जब कई मर्तबा हुआ तो एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कई मर्तबा ऐसा होता मैं ये गली में आता, आप भी गली में आते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, तू जिस गली में आता है वहां से शैतान भाग जाता है, जिस गली में आता है बोलो वहां से शैतान। हमारा मामला उल्टा है, जो गली में जाते हैं वहां शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, मेरा भाई, बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? अल्लाह हिफाज़त। हजरत उमर का मालूम है, बात आई तो मैं बात बताऊं। हजरत उमर का रौब और दबदबा देखो, जब अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? अमीरुल मोमिनीन। 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे, बोलो कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान, ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त, लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूँ उमर की गर्दन लेकर आऊंगा, इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला किसको मारने के लिए, बोलो, और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे, तो उमर भी तो बादशाह है, इनकी कोठी कहाँ होगी, इनका महल कहाँ होगा, इनके सब घोड़े कहाँ होंगे, इनके जानवर कहाँ होंगे, इनके फौजी कहाँ होंगे। अब वो पूरे मदीना में ढूंढ रहा मगर कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी को पूछता कि भाई उमर, उमर कहाँ रहते, उनका महल कहाँ? तो सामने वाला कहता है उमर का महल? कौन उमर? कहा आपके बादशाह अमीरुल मोमिनीन। कहा उनका कोई महल वाल नहीं है? तो कहा फिर रहते कहाँ है? कहा वो जो गली में झोपड़े नजर आते उसमें वो झोपड़ा उमर का है, वो झोपड़ा, वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं? कहा नहीं। कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं? वो उमर वहां है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, पांच वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई माल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है, यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोलो उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, आ जाके उमर की गर्दन उड़ाना, उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा? जंगल में। इधर उधर देखा, देखा एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे, बस वहां करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके, अब तो मौका और आसान हो गया भाई, पहले तो वहां शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहां पहुंच गया? और जंगल में भी इस साल में क्या उमर तो तैयार है भी नहीं भाई, उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना, उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला, कि उमर सो रहे, सारे ऊंट चल रहे, उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के दो टुकड़े करूं, नाऊदु बिल्ला। करीब गया, करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा, देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया, उमर नीचे सो रहे, ये कहां पर चढ़ गया? क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा, ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया, और आसान हो गया, अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा भाई, शेर है इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम? हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है, बोलो चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये ऊपर से इंतजार कर रहा है कि अब हमला करे, अब हमला करे, अब हमला। उसने देखा थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया, यूं किया, जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया, ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया, जिनको मैं मारने के लिए आया,
उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहां थे? दरख्त पर थे। क्या हुआ? कहां से आए? सब बात बाद में, पहले कलमा पढ़वा दो, पहले कलमा पढ़वा दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा, उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, मुशीर तुम्हारी निगरानी करता था। हजरत उमर ने फरमाया, उमर की नहीं करता, जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया ना, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरा दिल कहता है कि जब उमर का रोबोट दबदबा ये है तो इनको बनाने वाले मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। चलो मैं फिर वाक्य पर आ जाऊं। सफर हो रहा, सफर में बीच में कौन है? दाई तरफ, जल्दी जल्दी बोलो, दाई तरफ, बाई तरफ। मैंने कहा ना जमाल, हजरत अबू बकर नरम दिल, दाई तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाई तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाह अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है, अब सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है नहीं। अचानक सुनना, जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट होवे कि नहीं होवे? अब यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आ गई, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ गंगापुर में? क्या हुआ होगा? अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते, कौन बोला? क्योंकि हम तीन ही है। उमर कहते, मेरे को नहीं मालूम, मैं तुमको पूछता हूँ, कौन बोला? तो हजरत अबू बकर हजरत उमर दोनों इशारा करते कि कौन आवाज दे रहा है, कुछ पता नहीं, दाएं बाएं देखो, कोई समझ में नहीं आता। चलो लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए, और थोड़े कदम आगे बढ़ाए। जब थोड़े कदम आगे बढ़ाए तो अब प्यार से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आती, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को जाके पूछा, हमारे नबी यह आवाज हम सुन रहे, आप भी सुन रहे? हम तो सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप सुन रहे? ए सब सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मुस्कुराए, और जब अचानक हमारे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में चौदहवीं रात का चांद निकल कर सामने। हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर हमारे नबी ने कुछ कहा नहीं, पहले इशारा किया, सुनना। अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर व कहाल इन्नहु यारिफुनी व अना आरिफुहु। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर इशारा किया, एक चट्टान, एक पत्थर की तरफ इशारा किया, और हजरत उमर ने फरमाया, अबू बकर उमर, ये पत्थर ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। क्या फरमाया? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر يعرفني وعارفه ويسلم علي واسلم عليه। हमारे नबी ने फरमाया, ये वो पत्थर है जो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझे सलाम करे और मैं उसके सलाम का जवाब। मैंने ये वाक्य क्यों सुनाया? जवाब दोगे इंशाअल्लाह? हमारे नबी को कौन पहचान जाएगा? पत्थर। अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा क्यों नहीं बोलता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन पहचान रहा है? ये पत्थर अकल वाला है, इसमें अकल है, इसमें दिमाग, इसमें जिस्म, इसमें रूह, ये खाता है, पीता है, सोता है। ये देखो, आपको यहाँ पत्थर मिलेगा ना, यहाँ कोई मैदान में पत्थर मिलेगा, आप उसको उठा के फेंको, आपको गाली देगा नहीं, फिर वहां जाके फिर वापस फेंको, फिर गाली देगा। अरे उसको जाके गंदे नाले में डाल दो, वो कुछ बोलेगा? क्योंकि पत्थर के अंदर रूह नहीं, दिमाग नहीं, अकल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, पत्थर है। वो पत्थर जिसमें अकल नहीं, दिमाग नहीं, रूह नहीं, जो खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं,
वो नबी को पहचाने। और हम यहाँ जितने बैठे अकल वाले, दिमाग वाले, रोशन होश वाले, हम खाने वाले, पीने वाले, पहनने वाले, वो पत्थर बेजान बेअकल नबी को पहचाने। और हम इतनी अकल वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। हमसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन होगा? मेरे को ईमान से बताओ, कौन कौन नबी से मोहब्बत करता? भाई पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करता? हाथ ऊपर करके बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन मोहब्बत करता है? साथ में बोले मुस्तफा का दामन, करते मोहब्बत करते सब। अरे हाँ बोलो ना, करते नहीं बोलो ना, करते। भाई जो लोग दाढ़ी रखे हैं, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल नहीं रखे क्लीन शेव, अस्तगफिरुल्लाह। और जो ऐसी पट्टी बनाते आऊधु बिल्लाह। नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ ना, नबी के चेहरे से मोहब्बत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। नहीं नहीं बोलो ना, मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं? हमारे नबी ने हमारे वास्ते कितनी तकलीफें उठाई मेरे प्यारे, न रात देखा, न दिन देखा, न चैन न सुकून देखा। अरे वही हमारे नबी ताइफ में गए, ताइफ में गए, आपके पाँव को लहूलुहान किया गया। आपको मालूम है ताइफ के मैदान में हमारे नबी उठना चाहते कू की तरफ आए हैं, मेरे दोस्तों किसी दुश्मन ने पीछे इतना जोर से आपको धक्का दिया, आपकी कमर पर इतना जोर का धक्का दिया, आपका सर मुबारक एक पत्थर से टकराया। मेरे प्यारों, जब आपने सर उठाया लहू बहता था, पांव से लहू बहता था, लेकिन हमारे नबी ने एक ही बात कही, अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। अल्लाह मेरी उम्मत बहुत प्यारी है, जो पांव के लहू पर भी उम्मत को याद करे, जो उहद के मैदान में दंदाने मुबारक दांत मुबारक शहीद हुए तो उम्मत को याद करे, जो खंदक के मौके पर पेट पे दो दो पत्थर बांधे तो उम्मत को याद करे। मेरे दोस्तों आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त में अल्लाह मेरा उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती। आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं पसंद आता, आज वो उम्मती को नबी का चेहरा नहीं अच्छा लगता। इससे बड़े गद्दारी कौन सी होगी, इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? इसलिए आज पूरा मजमा एक साथ में पक्का इरादा करे कि सिर्फ दाढ़ी नहीं। जैसे मैं एक मिसाल आपको पूछूं, हम सबके पास मोबाइल है भाई, हाँ या ना बोलो? सबके पास है ना? है है। हाँ बोलो, मोबाइल है है। मिसवाक नहीं, कुछ के पास होगा माशाल्लाह। 10% मिसवाक होगा, 90% नहीं होगा। क्यों? मैं आपको एक बात पूछूं, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, मिसवाक भी इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल से लोगों से बात होती है, मिसवाक करो तो अल्लाह से बात होती है। ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाले दो तरह के होते हैं। भाई ईशा की नमाज है, इमाम साहब अभी मुसल्ले पर आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ने वाले वजू कर करके आ रहे, हजरत अली फरमाते दो तरह के लोग आ रहे, एक वजू करके आ रहा है बगैर मिसवाक के आता है, वो इमाम की आवाज को सुनेगा, और एक वजू भी किया मिसवाक भी किया वो आएगा, वो इमाम की आवाज बाद में सुनेगा, पहले अल्लाह के साथ बातें करेगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक कर ले, मिसवाक कर ले, क्या फायदा होगा? अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिवाक मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिल रब व तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। इमाम शामी फरमाते हैं मिसवाक कर ले, मुंह पाकीजा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। मेरे प्यारो, मोबाइल पसंद के मिसवाक क्या पसंद? अगर मोबाइल घूम जाए किसी का, आपने देखा होगा उसको, उसकी स्टाइल देखा आपने, अगर मोबाइल घूम गया, घंटी बजा, घंटी बजा, मेरे मोबाइल, क्या हुआ? अटैक आ गया तेरे को, करोड़ों का रोलिंग था तेरा, क्या हुआ? और मिसवाक नहीं है, जमाने से जेब में मिसवाक नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मोबाइल दुनिया वालों का है, मिसवाक मुस्तफा का है। मुस्तफा से मोहब्बत नहीं मेरे प्यारों। आज से कौन कौन तैयार है? चलो ये तो मैंने दो तीन बातें कही, पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। चलो तीसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, बहुत पते की बात है। कौन सा महीना? आवाज से बोलो कौन सा महीना? शाबान। शाबान महीने में रात आएगी इंशाल्लाह, बोलो आएगी।
हमारे मार्च की 7 तारीख इंग्लिश वो जो रात आएगी वो शबे बरात। बोलो वो शबे। एक बात याद रखना, ये रात में अल्लाह इतना माफ करते। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह कितना माफ करते, तो हमारे नबी के जमाने में कबीला था, उस कबीले में बकरियां बहुत ज्यादा थी, बकरे बहुत ज्यादा थे। हमारे नबी ने वो कबीले का नाम लेकर कहा कि जितनी बकरियां और जितने बकरे हैं उनके बदन पे जितने बाल हैं, अल्लाह ताला एक एक उम्मती के इतने गुनाहों को आज रात में माफ कर देगा। तो बहुत बड़ी रात आ रही है शबे बरात, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोए, कितना भी सजदे करे, मगर उसकी माँ उससे नाराज है या उसका बाप उससे नाराज है, अल्लाह ये रात को उसकी मगफिरत नहीं करेगा। ये रात को नहीं, रमजान की जो रात आएगी, और रमजान में एक बड़ी रात आएगी शबे कदर, अल्लाह उस रात में भी उसकी मगफिरत नहीं करेगा। जिस आपको एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, माँ क्या है, हमारी माँ क्या है, हमारे अब्बा क्या है, मेरे प्यारो हमारी माँ का हमारे ऊपर इतना एहसान, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हदीस हमने नहीं सुनी कि एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूँ, मैं क्या काम करूँ, अल्लाह राजी, आप राजी, मैं क्या काम करूँ। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। क्या बोला माँ की? तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल तो है, मेरे अम्मी की बहुत खिदमत करता, आप इसके बाद कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया माँ की खिदमत करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैंने बताया ना मैं माँ की बहुत खिदमत करता, बहुत खिदमत करता, और क्या करो। हमारे नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया माँ की खिदमत करो। वो सहाबी कहने लगे मैं सुन लिया माँ की खिदमत करना, अब क्या करना। हमारे नबी ने फरमाया अबू जाओ अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से माँ की खिदमत 3 गुना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ ने वो 3 काम किए, यहाँ अब्बा बैठे होंगे हम सब, माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। पूरा मजमा बोलना, बच्चे को पेट में रखने वाली कौन, 9 महीने तक पेट में रखने वाली कौन, माँ। डिलीवरी, बच्चा जन्ने वाली कौन, माँ। दूध पिलाने वाली कौन, ये काम अब्बा नहीं करता ना, इसलिए हमारे नबी ने वो 3 बातों का ख्याल किया। वो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, और कितने घर में तो मालूम है बीवी प्रेग्नेंट होती है, शोहर के अंदर फरमा बर्दारी नहीं होती, शोहर के अंदर बीवी की मोहब्बत नहीं होती, वो बिचारी पेट में बच्चे को लेके बर्तन भी धो रही है, कपड़ा भी धो रही है, वो बिचारी सास की बातें भी कड़वी कड़वी सुन रही है, वो इधर जा रही उधर जा रही है, किसी तरीके से बिचारी 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती है, उसके बाद में डिलीवरी होती है, फिर भी मालूम नहीं कितना जुल्म उसके ऊपर होता है, फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से 2-2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर बच्चा बीमार है, पूरी रात जागती है, अगर गरीब है तो अपना कंबल हटा देती है, बच्चे को कंबल ओढ़ा देती है। मेरे दोस्तों वो माँ हमको नहीं अच्छी लगती, वो अब्बा जिसने खून पसीने की कमाई एक करके हमको आगे बढ़ाया। अभी आपने देखा काली कमरुल इस्लाम कमर को मेरे बाबा कह के रोने लगे। दुनिया कहती है छोटा बच्चा यतीम हो जाता, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अम्मा अब्बा भी दोनों अल्लाह की रहमत में चले गए। याद आते तो बहुत याद आती है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, नाम है हई वाह। बोलो क्या नाम? ये हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज है, थोड़ी आवाज ऊपर करें, आप लोग सुन रहे हो ना, थके तो नहीं हो ना, मैं थके तो बात बंद कर दूं, नहीं साथ में बोलो ना, एक बहुत बड़े हदीस के इमाम, क्या नाम? हजरत हईवा, पूरा मजमा बोलेगा हजरत हईवा। उनका क्या मामला था भाई, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले, बहुत बड़े बयान करने वाले, रोज सुबह में इनका सबक शुरू होता था, मजमा का मजमा आता था। क्या हुआ मालूम है, जब ये सबक पढ़ाते हुए और बिल्कुल सबक पढ़ा के काफी अच्छा सबक पढ़ा रहे हुए, अचानक अचानक इनकी माँ आती थी। अच्छा, माँ की उम्र 99-100 साल की उम्र, वो माँ डंडा लेकर हाथ में आवे और क्या करे मालूम है, सीधे आके हाइवा को डांटना शुरू करे। क्या डांटे? हाइवा को कहे अलकिल हुबूब अलद दज्जाजा। आकर कहते वो माँ आकर कहती थी, हाँ बैठ गए, सबक पढ़ाने बैठ गए, बयान करने बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया, होशियारी मांगने बैठ गए। अपने घर में मुर्गी को दाना कौन डालेगा? घर में मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? चलो उठो, पहले मुर्गियों को दाना डालो। अब हजरत हईवा वक्त के इमाम है,
वक्त के बहुत बड़े हैं, लेकिन किताब बंद करते पूरे मजमे को कहते बैठे रहो, मैं मुर्गी को दाना डाल के आता हूँ। हालांकि हजरत हाइवा कहते सुबह में मैंने मुर्गियों को दाना डाला, मैंने खुद भी नाश्ता किया, अम्मी को नाश्ता करवाया, गुसल करके आया, लेकिन अम्मी का दिमाग है बस बुढ़ापा है। जाते सारी मुर्गियों को फिर दाना डालते, उसके बाद अम्मा को पूछते अम्मा मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया, फिर मैं सबक पढ़ाने चला जाऊं, अम्मा इजाजत देती तो फिर आ जाते। मेरे प्यारों ये एक दो दिन के बाद में 6 महीने बोलो कितने। एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, माँ का गुस्सा कुछ ज्यादा होगा, बड़ा डंडा लेकर आई, आई और वही तरीके से आई और आकर कहा अलकिल हो वो अलग जाजा तुम मुर्गी को दाना डाले बगैर आ गए। उस दिन हजरत हाइवा की जबान से निकल गया अम्मा हदीस का सबक हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है और मैं मुर्गी को दाना डाल के आया हूँ। वो डंडा जो था ना माँ ने लेके वो डंडा मारा सीधे सर पे मारा, यहाँ से खून बहना शुरू हुआ, सारा मजमा हैरान। हजरत हाइवा इसी तरह खून दबाते दबाते चले गए, जाके मुर्गियों को दाना डाला, पट्टी वट्टी बांध कर आए और उसके बाद में जब हदीस की किताब को खोला तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे, पढ़ाते मालूम नहीं या तो दर्द होता होगा या तो माँ की मोहब्बत याद आई होगी, रोने लगे। तो एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत एक आइडिया, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये कर लो ये रोज का मामला खत्म। तो अगर हाइवा ने कहा क्या करो, कहा जब घर से बाहर निकलो तो ताला मार के निकलो। माँ तो घर में बाहर ताला लगा, माँ का दिमाग तो काम करता नहीं है, वो थोड़ी देर तक दरवाजा ठक 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 करेगी फिर वापस बैठ जाएगी। आप आराम से सबक पढ़ाओ, सबक पढ़ा के ताला खोलो, फिर माँ की जो खिदमत करना है खिदमत करो। सुनना मेरे प्यारो गंगा भगवान, हजरत हाइवा ने जोर से चीख मारी और कहा बेटा बेटा वहां ताला लगाऊंगा तो रात को मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा, रात को मेरे ख्वाबों पे। तो सबने कहा आपको ख्वाब पे ताला लग जाएगा, खरे बाप मां के दरवाजे पर ताला लगाओगे रात को ख्वाब पे कैसा ताला लगेगा। हजरत हाइवा ने कहा तुमको नहीं मालूम रोज रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और रोज मुझे आकर पूछते हैं, रोज आकर पूछते हैं आज माँ ने तुझे क्या कहा, आज माँ ने तुझे कैसे डांटा, तूने आज माँ की कितनी फरमाबरदारी की, और आज तो आकर मुझे पूछेंगे तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा। और जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ मेरे नबी वहीं पर अपना मुबारक हाथ फेर देते हैं तो अब वो ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे सच बताओ हमने अपनी माँ के साथ क्या किया है, अपनी माँ के सामने आवाज उठाना, अपनी माँ के सामने जोर से बोलना, बाप को एकदम कड़वा जवाब देना, यहाँ तक कहना कि माँ तेरे को नहीं समझ में आता मेरे को समझ में आता है। मेरे प्यारो जिस माँ बाप ने तुम्हें जना तुम्हें ज्यादा समझ में आने लगा, इसलिए वो दिन आने से पहले शबे बरात वो रात आने से पहले माँ से माफी मांग लोगे, बोलो कर लोगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफा का दामन नहीं, और तीसरा काम बोलो साथ में बोलो तीसरा काम माँ की फरमा बरदारी। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करो, माँ से माफी मांग लेंगे, बोलो मांग लेंगे इंशाअल्लाह। बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात, आखिरी बात मेरे प्यारों, ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, हाफिज हुए हाफिज हुए, ये मदरसा ये मस्जिद ये बच्चे ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेरे प्यारों क्या शान होगी कयामत में, चाहे दुनिया में कोई करे न करे लेकिन सच बताना इन लोगों की शान होगी कि नहीं होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दूं, कयामत में हाफिज जो है ना हाफिज जितने हाफिज होंगे मर्द या औरतें लड़के या लड़कियां हाफिजीन और हाफिजात जितने होंगे कयामत में अल्लाह सब हाफिजों को जमा करेंगे, सब हाफिजों को जमा करेंगे। तो जाहिर बात है कयामत का दिन होगा, सब लोग थर 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 कांपते होंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे क्यों, हाफिजीन को पूछेंगे ये बच्चों को पूछेंगे क्यों कांप क्यों रहे, कहेंगे आपका डर लगता अल्लाह आपका डर लगता। अल्लाह फरमाते मत डरो, अगर मुझे आजाब देना होता तो तुम्हारे सीने में मेरा कुरान नहीं आता करता, मुझे अगर तुम्हें आजाब देना होता तो ये प्यारा कुरान मैं तुम्हारे सीने में नहीं देता। और मेरे भाइयों सुनना बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को क्या कहेंगे, अल्लाह खुद कहेंगे हाफिज को कहेंगे पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, बोलो सुभान अल्लाह, पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। कुरान पाक में 6,666 आयतें, जन्नत की सीढ़ी 6,666 अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा जन्नत की
सीढ़ी चढ़ता जा। इकरा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिलु फिद दुनिया फइन मंजिलतक इंदा आखिरी आयतिन तकरहुहा। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा, दस कदम पर जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। यानी हाफिज और जन्नतुल फिरदौस, बोलो कितने कदम? दस कदम। दस कदम। अब सुनना क्या होगा, ये हाफिज लोगों को मुबारक करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह तीनों बच्चों को मुबारक करे, बोलो आमीन। दस कदम बाकी होंगे। ओ हाफिज को अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? ए हाफिज जाओ दस कदम चलो, और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। दस कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊआ वा फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, ए फरिश्तों फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करे। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे ए फरिश्तों कोई सलाम नहीं। तो वो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया, करने दो ना उनको सलाम, करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन, सूरह यासीन पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अला अराइक मुत्तकीउन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दउन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है? जिन जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा? फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे? एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे सुनना भला, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ भाई, जन्नत की बालकनी बाला खाना उससे भी खूबसूरत जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे कहाँ? जन्नत और कहाँ? जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, नीचे देखो। वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी, किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा कहेगा अल्लाह नहीं मेरे को नहीं देखना, अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको आजाब होता इसमें, तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता किसी को पहचानता? तो यूं देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचान जाता, अल्लाह मेरे को नहीं मालूम वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा है उसको तो मैं पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी फूफी है अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी खाला है मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर, अब तू इशारा करता जाएगा जहां नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूं,
ये मैंने आज पूरा दिन में यहां था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूं, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना, लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले की इरादा करो ताकि मेरी चार बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा मुस्तफा का दामन, नंबर तीन माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत, और आखिरी बात कह दो पांच वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा, शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीन यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर वन तो जन्नत भी नंबर वन। तो कौन कौन तैयार है सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन, उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है, और उसने ये भी ऐलान किया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत, वो खुद क्या है बादशाह, उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास, उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफा का घर बनाया, कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे, जंगलों में लकड़े काटे, वो जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे, उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया और बादशाह के पास आया, और बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा हाँ। कहा कि आप मुस्तफा का घर बना रहे हैं? बादशाह ने कहा हाँ। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और चार ईंट खरीदा, कितनी ईंट, ईंट समझते हो, चार ईंट खरीदा और निकाला रूमाल में, बड़े रूमाल में चार ईंट निकाला, कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी चार ईंट लगा देना, उसमें मेरी चार ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया, बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो अकेला, मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए, उठाओ तुम्हारी तुम्हारी ईंटें उठाओ उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, बहुत मेहनत से, चार ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा? बादशाह ने कहा उठाओ नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने चारों ईंट ली, सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता कैसा। वो बाहर गया, बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी, भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा, और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया, ईंटों के सामने गिर गया। जल्दी जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी चार ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिया और लेकर, तो सबने देखा कि भरी हुई कोठरी के साथ गिरा और बड़ी हुई कोठरी के साथ वापस चला गया और चार ईंटें कहां रख दिया, हो गया, जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और दो शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में?
कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। ये बादशाह इतना खुश, और वो दो फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे, वो दरवाजा चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते चलते चलते, और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। वो बादशाह देखा 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 चला चला, जन्नत तो खत्म ही ना हो। आखिर में वो ख्वाब में कहता है, भाई बहुत चले बहुत चले, कहा था कि कहा भी तो बहुत आगे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इतना लंबा ख्वाब, एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई, और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने खाद लो दो को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है, तो वो जन्नत किसकी है? वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कौन सी मस्जिद? जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत, और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने उन दो को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला, तो उन दोनों ने कहा याद कर वो चार ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी, वरना ये जन्नत भी। अब ये सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूं उसे प्यार। और बादशाह ने भाई बादशाह दिल में सोचा यहीं पे सौदा कर लो, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया। आकर बादशाह ने कहा वो चार ईंट क्या हुआ? सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो चार ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा मुझे चार ईंट तूने रखी ना, तू बता आज मैं वो चार ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता मैं तुझे कीमत दे दूंगा। उसने कहा नहीं मैं कोई कीमत कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो चार ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो चार ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा ना, बहुत सस्ता है इतना, तुम चार ईंट मैंने दिया सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा ईंटे दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, चार ईंट दिया था मैं 1000। बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी, 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो चार ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हो, ऐसा सस्ती सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10000 दीनार चार ईंट, 10000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो चार ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं हो। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10000 दीनार। तो कहा बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो चार ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारों आप यहाँ आएंगे मुझसे मुलाकात करेंगे, आपको जो भी जामिया उमर बिन खत्ताब में देना है वो मेरे हाथ में दोगे, उसको मैं हाथ में जमा करूंगा फिर रुमाल में रखूंगा, आपसे मेरी मुलाकात, क्योंकि अभी मैंने किसी से मुलाकात, कल सालार जंग में भी मैंने मुलाकात नहीं की किसी से, और मैंने वादा किया था कि
मैं वहां मुलाकात नहीं करूंगा लेकिन गंगापुर में मुलाकात करूंगा। लेकिन मेरे प्यारों खाली हाथ मुलाकात नहीं करूंगा। एक चार ईद पर अगर अल्लाह सोने की और जवाहरात की जन्नत दे सकता है, आज भी वही मुस्तफा का है, आज भी वही अल्लाह का है। आप जितना होगा ताउन करोगे माशाल्लाह, अल्लाह जजाए खैर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जन्नत अता फरमाए। आए माशाल्लाह, और आप कर्म देना शुरू करें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जजाए खैर अता फरमाए देने वालों को। अल्लाह माशाल्लाह, नाम अगर हर आदमी कहता रहेगा तो देर हो जाए। और मस्तूरात से भी गुजारिश है कि वो अपने किसी तवसुत के जरिए से अपने अपने इमदाद को भेज दे। हमारे शेख नजीर इस्लाम की तरफ से 2000 रुपये। हमारी जितनी माएं बहनें बेटियां जो भी हो, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, आज सब जन्नत का सौदा करके जाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। लाइन से आए, लाइन से आए, एक जरा एक जरा एक तरफ से एक तरफ से एक तरफ से माशाल्लाह देते जाए, एक तरफ से एक तरफ से लाइन आए। और एक तरफ भाई यहाँ के वॉलंटियर हजरत कहाँ हैं जिन्होंने पूरे जलसे की तैयारी की है, वो सबको एक तरफ कर दे ताकि एक तरफ से आए दूसरी। अच्छा एक तरफ से थोड़ी रजाकार रजाकार जो है वो भी सामने आ जाए। भाई एक बात मैं आपको कहूं, मैं एक दरूद शरीफ भी लेकर आया हूं, बहुत प्यारा दरूद शरीफ सुनेंगे, सब सुनेंगे। दो मिनट। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी, वो अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में खाने को भी नहीं, बहुत गरीबी है। हमारे नबी ने कहा ये दरूद पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। मदीने के मालदार बन गए। फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, मैं तो दरूद पढ़ा मालदार हो गया। हमारे नबी ने फरमाया ये दरूद इतना खास है, तुम नहीं मेरा कोई भी उम्मती पढ़ेगा अल्लाह उसे हलाल रोजी अता फरमाएगा। वो दरूद भी आज स्टेज पर रखा हुआ है। कौन सा दरूद? اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات। ये दरूद मैंने कारी कमरुल इस्लाम कमर हमारे बेटे को दिया है, आप उनसे जरूर हासिल करें, अपने मोबाइल में रखें, अपने बीवी बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और अभी भी लाइन बनी नहीं है, एक तरफ की लाइन बनेगी तो बहुत आसान होगा। यहां आप मेरे हाथ में जमा करेंगे और यहां से आप चले जाएंगे, उस तरफ आ जाए प्लीज, मेहरबानी करके। माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ अभी तक आप लोग बैठे थे, उसी रिस्पेक्ट के साथ बैठे। लाइन चाहिए, लाइन चाहिए, हजरत को तकलीफ हो रही है, लाइन चाहिए, सबसे मुसाफा भी हो जाएगा। लाइन चाहिए भैया, मेहरबानी कीजिए थोड़ा सा, लाइन चाहिए भाई जाने का रास्ता, लाइन चाहिए, लाइन चाहिए, सबसे मुसाफा होगा। हजरत को खुद को तकलीफ हो रही है, हजरत को खुद को तकलीफ हो रही है। रजाकार जो है सबको लाइन से लगाए, रजाकार कहाँ है? रजाकार जितने हैं स्टेज के पास आ जाएं। भाई लाइन से आए, परेशान ना करें, लाइन से आए, एक तरफ से आए ताकि जाने के लिए सहूलत हो सके। एक तरफ से आइए और दूसरे तरफ से जाइए भैया, मेहरबानी कीजिए थोड़ा सा।